उलट खपड़िए, हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे पर कमीनापन कहां से लाओगे? मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा, हमसे ना भिड़ियो। अपनी पहली ही फिल्म से एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले कितने ही एक्टर्स का समय समय पर बॉलीवुड में आगमन होता रहा है। एक एक्टर के लिए पहली ही फिल्म से अपनी एक मजबूत पहचान बना लेना कोई आसान काम नहीं होता, खास तौर पे तब जब उसके सामने ऐसे एक्टर्स हों जिनके साथ सीन करने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हों। 90 के दशक में बड़े पर्दे पर एक ऐसे ही दमदार एक्टर की एंट्री हुई जिसने ढेरों दिग्गज एक्टर्स की मौजूदगी के बावजूद न सिर्फ बतौर विलन अपनी एक छाप छोड़ी बल्कि दर्शकों के दिलों में एक खौफ पैदा करने में भी कामयाबी हासिल की, और उस एक्टर का नाम है मुकेश तिवारी। अपनी पहली ही फिल्म चाइना गेट में निभाए अपने किरदार डाकू जगीरा को मुकेश तिवारी ने कुछ इस तरह जीवंत किया कि उस किरदार के साथ साथ औसत रूप से सफल होने के बावजूद यह फिल्म भी यादगार बन गई। सुना जे बचावे आए हैं। अरे काय काय करत रह जाओगे, भूखे मरोगे। जे बचावे आए हैं। हम तो सोचे थे जे साले हमसे अपनी जिंदगी की भीख मांग है, पर यहां तो उल्टा हो गया रे। जे चाहते कि हम इनके सामने हथियार डाल दें। बेहद ही टैलेंटेड मुकेश तिवारी जी के फिल्मी सफर की शुरुआत और उनके जीवन से जुड़े किस्से भी बेहद दिलचस्प हैं, जो कहीं ना कहीं हम सबको एक प्रेरणा देने का भी काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। थिएटर और बॉलीवुड के जाने माने एक्टर मुकेश तिवारी का जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। हालांकि मुकेश अपने संघर्ष को एक यात्रा मानते हैं जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने तय किया है। वे कहते हैं कि संघर्ष अगर किया भी है तो उनके परिवार ने किया है। मुकेश मध्य प्रदेश के शहर सागर के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसका एक्टिंग और फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। पढ़ाई लिखाई और कोई बड़ी नौकरी जैसे आम ख्वाब देखने वाले एक साधारण से परिवार में 24 अगस्त 1969 को जन्मे मुकेश आगे चलकर एक्टिंग की फील्ड में इतना बड़ा नाम कमाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। मुकेश सागर के ही डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। दोस्तों, मुकेश अपने स्टूडेंट लाइफ में एक बेहतरीन क्रिकेटर हुआ करते थे। वे अंडर 12, अंडर 15 और साथ साथ अंडर 19 क्रिकेट भी खेल चुके हैं। मुकेश की पढ़ाई के दौरान ही उनके पिता का निधन हो गया। ऐसे में बतौर गार्जियन उनकी मां ने ही उनका ख्याल रखा और उनके सपनों को साकार करने में उनका सहारा बनी। हालांकि मुकेश तब तक बड़े हो चुके थे और खुद को संभालना सीख चुके थे। दोस्तों, मुकेश जब कॉलेज में थे तब उन्हें नाटक देखने का भी शौक हो गया था और नाटक देखने के दौरान ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि वे भी एक एक्टर ही बनेंगे। मुकेश अपने ही शहर के एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से जुड़कर छोटे छोटे शोज करने लगे। अपने शुरुआती शोज के बारे में बताते हुए मुकेश कहते हैं कि अपने एक नाटक शो को दिखाने के लिए बड़े ही मन से उन्होंने अपने पूरे परिवार को भी बुलाया, लेकिन मुकेश तब बड़े शर्मिंदा हुए जब उस शो को देखने के लिए महज 18 लोग आए जिनमें से लगभग आधे उनके परिवार और आस पड़ोस से ही थे। मुकेश उस रोज बड़े ही शर्म से देर रात अपने घर पहुंचे जहां उनकी माँ उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुकेश से कहा कि तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन तुम्हें अगर एक्टर ही बनना है तो अच्छे से इसकी ट्रेनिंग ले लो, तभी इस फील्ड में जाना। दोस्तों, मुकेश बताते हैं कि उनकी माँ बहुत ही कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन अखबार के जरिए देश दुनिया की पूरी जानकारी रखती थी। मुकेश ने माँ की इस बात को गांठ बांध लिया और जैसे ही उन्हें पता चला कि दिल्ली में एनएसडी नाम का एक ऐसा स्कूल है जहाँ एक्टिंग सिखाई जाती है, तो वे वहाँ पहुँच गए और उसके एडमिशन का फॉर्म भर दिया। फॉर्म ही सेलेक्ट हो गया और अगले राउंड को भी उन्होंने क्लियर कर लिया, लेकिन अंतिम राउंड में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। मुकेश दिल्ली से वापस सागर की ट्रेन में बैठकर सोचने लगे कि उन्होंने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। मुकेश को यह रियलाइज हुआ कि जिस आदमी को इम्प्रोवाइजेशन का मतलब नहीं पता उसको रिजेक्ट ही हो जाना चाहिए था। उन्होंने अपनी कमी को स्वीकार किया और अगले दिन सागर पहुंचते ही लाइब्रेरी जा पहुंचे और नाटकों से जुड़ी किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। एक सत्र तक जमकर तैयारी करने के बाद उन्होंने एनएसडी में एडमिशन के लिए दोबारा फॉर्म भर दिया। इस बार अंतिम राउंड में उन्होंने हर सवाल का ऐसा जवाब दिया कि वहां मौजूद टीचर्स ने कहा कि जब तुम्हें नाटकों की इतनी जानकारी है तो यहां आने की क्या जरूरत है। बहरहाल एनएसडी यानी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से उन्होंने पढ़ाई पूरी की और एनएसडी की ही संस्था से जुड़कर मुकेश नाटकों में काम करने लगे और धीरे धीरे बतौर एक्टर मशहूर हो गए। हालांकि मुकेश ने ये कभी महसूस नहीं किया था कि वे कितने नामी एक्टर हो चुके हैं। यहाँ तक कि जब चाइना गेट के लिए उन्हें बुलाया गया तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि कोई उनके साथ मस्ती कर रहा है।
पांच दिन बाद फिर से किसी ने उन्हें बताया कि नसीरुद्दीन शाह तुमसे बात करना चाहते हैं। मुकेश को एनएसडी के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने भी ट्रेनिंग दी थी, इसलिए मुकेश भागे भागे पीसीओ पहुंचे और नसीरुद्दीन शाह को फोन लगाया तो नसीरुद्दीन शाह मुकेश पर खूब चिल्लाए और कहा, पांच दिन से मैं तुम्हारे फोटोज का वेट कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। फिर उन्होंने चाइना गेट फिल्म के बारे में बताया। मुकेश ने फौरन अपनी तस्वीरें कुरियर कर दी और कुछ दिनों के बाद अचानक फोन आया कि अगले ही दिन उन्हें मुंबई पहुंचना है। अब मुकेश के सामने एक अलग समस्या खड़ी हो गई थी और वो थी पैसों की समस्या, क्योंकि इतनी जल्दी दिल्ली से मुंबई सिर्फ फ्लाइट से ही पहुंचा जा सकता था जिसमें 4,500 का खर्चा था। ऐसे में उनकी मदद की एनएसडी में ही चौकीदार का काम करने वाले उनके दोस्त सतवीर ने। उन्होंने फौरन बैंक जाकर 5,000 रुपए निकाले और मुकेश के हाथों में दे दिया। मुकेश ने कहा, लेकिन मैं ये पैसे कैसे लौटाऊंगा क्योंकि मेरी पेमेंट तो बस 3,500 ही है। तब सतवीर ने कहा कि कोई बात नहीं, आधा आधा करके अपने पेमेंट से लौटा देना। खैर अगले दिन मुकेश मुंबई पहुंच गए और अपना ऑडिशन दिया। दोस्तों मुकेश को अपने ऑडिशन को लेकर इस बात का डर था कि इनके द्वारा बोला गया संवाद जो कि हिंदी के क्लिष्ट शब्दों में था पता नहीं ऑडिशन में किसी को समझ में आएगा भी या नहीं, लेकिन उनकी एक्टिंग और संवाद अदायगी पर जमकर तालियां बजी और मुकेश को 20,000 साइनिंग अमाउंट के साथ डाकू जगीरा के रोल के लिए साइन कर लिया गया। इस रोल के लिए सेलेक्ट हो जाने के बाद मुकेश ने फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी से इसकी तैयारी के लिए थोड़ा वक्त मांगा। मुकेश बताते हैं कि उस वक्त उन्होंने अपना वजन बढ़ाने के साथ साथ खुद से नफरत करवाने के लिए कई महीनों न बाल कटवाए और न ही दाढ़ी बनाई, यहाँ तक कि कई दिनों तक वे नहाए तक नहीं ताकि वे इस रोल को जीवंत कर सकें। वर्ष 1998 में रिलीज हुई इस फिल्म से लोगों के दिलों में दहशत मचाने वाले मुकेश को अपने इस रोल के लिए कई अवार्ड्स मिले। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा, हमसे ना भिड़ियो। हालांकि मुकेश बताते हैं ये फिल्म फेयर के अवार्ड के लिए जिससे उन्हें बहुत उम्मीद थी और जिसके लिए उन्होंने नया सूट भी सिलवाया था लेकिन वो अवार्ड उन्हें नहीं मिल सका। दरअसल उस साल मुकाबला भी बहुत कांटे का था और बेस्ट विलन का यह अवार्ड उन्हीं के बैच के एनएसडी के उनके साथी आशुतोष राणा के हिस्से में फिल्म दुश्मन के लिए मिल गया। दोस्तों आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि चाइना गेट में इतनी तारीफ पाने के बाद भी मुकेश को कई महीनों तक कोई काम नहीं मिला। इस बात से वे बड़े हैरान थे कि इतने पॉपुलर होने के बाद भी उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब एक दिन उन्हें यह रियलाइज हुआ कि दरअसल लोग उन्हें तो पहचानते ही नहीं, वे तो उनके जगीरा के किरदार को पहचानते हैं जिसका लुक ओरिजिनल में उनसे बहुत ही अलग है। मुकेश ने फौरन 20 डायरेक्टर्स की लिस्ट बनाई और सबसे मिलना शुरू कर दिया। 2 महीने के भीतर ही मुकेश के हाथों में अब कुल 18 फिल्में थी। बस इसके बाद मुकेश की गाड़ी चल निकली। बतौर विलन उन्होंने ढेरों फिल्मों में काम किया और लगभग 4 सालों तक काम करने के बाद उन्हें लगने लगा कि अब उन्हें कुछ अलग करना चाहिए क्योंकि विलेन के एक जैसे रोल करते रहने से उनके भीतर के कलाकार को संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी और साथ ही साथ बदलते दौर में धीरे धीरे विलेन के अच्छे किरदार बनने भी बंद होने लगे थे। इसी बीच मुकेश के हाथ आई एक ऐसी फिल्म जो उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। यह फिल्म थी 2003 में रिलीज हुई निर्माता निर्देशक प्रकाश झा की सुपरहिट फिल्म गंगाजल। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए किरदार बच्चा यादव को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद मुकेश को हर तरह के किरदार मिलने लगे। यह टोटल फ्यूज हो गया है, पता ही नहीं साला की नौकरी से इन है कि आउट, ना चार्ज सीट ना ड्यूटी, दर्शनकु हो गए, क्या बात करेंगे आप। इस फिल्म के दौरान मुकेश और अजय देवगन की दोस्ती हो गई जिसके बाद अजय ने मुकेश को डायरेक्टर रोहित शेट्टी से मिलवाया। रोहित शेट्टी को मुकेश का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने गोलमाल सहित अपनी आगामी लगभग हर फिल्मों में उन्हें शानदार रोल दिए। फिल्म गोलमाल में मुकेश ने अपने द्वारा निभाए वसूली भाई के किरदार से सबको चौंका दिया क्योंकि यह किरदार बेहद ही फनी था जो उनकी इमेज से एकदम अलग था। अरे नहीं रे वो, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल रहा। मुकेश कहते हैं कि वे लकी हैं जो उन्हें पॉजिटिव नेगेटिव और कॉमेडी हर तरह के रोल्स मिलने लगे हैं। दोस्तों मुकेश तिवारी की फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है। उन्होंने हिंदी के अलावा तमिल तेलुगु और पंजाबी भाषाओं में कुल 200 के लगभग फिल्मों में काम किया है जो अभी भी जारी है। मुकेश पॉपुलर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी नजर आ चुके हैं जिसे दर्शकों ने इतना पसंद किया कि उन्हें कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में काम करने का ऑफर भी मिला। हालांकि उन्होंने यह ऑफर यह कहकर ठुकरा दिया कि एक एक्टर होने के नाते मैं हर तरह के रोल्स करता हूं जिसमें कॉमेडी भी शामिल है लेकिन मैं कोई कॉमेडियन नहीं हूं। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं मुकेश तिवारी के निजी जीवन पर। मुकेश की पत्नी का नाम है वायलेट नजीर तिवारी जिनसे उन्होंने प्रेम विवाह किया है।
नजीर एक थिएटर आर्टिस्ट हैं। मुकेश और नजीर की मुलाकात दिल्ली में एनएसडी के दौरान ही हुई थी, जब दोनों वहां अपनी पढ़ाई कर रहे थे। एक इंटरव्यू में मुकेश ने बताया था कि नजीर को देखते ही वे उन्हें अपना दिल दे बैठे। हालांकि वे पहले तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन एक दिन अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया। बस बात बन गई और वर्ष 1995 में घर वालों की रजामंदी से उनका विवाह भी हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।